दोस्तों भारत और चीन के बीच काफी महीनों से तनाव बना हुआ है। इस बीच भारतीय और चीनी सेना के कमांडरों के बीच पांचवी बार बातचीत हुई। यह बातचीत करीब 11 घंटे तक चली। इस बातचीत में भारत ने चीन की सेना को तनाव और गतिरोध करने वाले इलाकों से पीछे हटने को कहा, लेकिन यह बातचीत फिर बेनतीजा रही है क्योंकि चीन ने पीछे हटने से साफ इनकार कर दिया है। सूत्रों के अनुसार चीन पेंगोंग लेक के फिंगर से पीछे नहीं हटना चाहता है, लेकिन इस बात से भारत भड़क उठा और चीन को बड़ी चेतावनी दे डाली। इस बीच भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना के खिलाफ धीरे धीरे फिर से डेरा डालना शुरू कर दिया है। इलाकों के सभी तनाव वाले इलाकों पर सुरक्षा बलों, टैंकों और घातक हथियारों की मौजूदगी को भी काफी बढ़ा दिया है। दोनों सेना के कमांडर की बातचीत में भारत ने चीन को साफ साफ कह दिया है कि पूर्वी लद्दाख में पहली जैसी स्थिति को बरकरार रखने के लिए और उन सभी इलाकों में भारत और चीन के बीच हुई सभी प्रोटोकॉलों का पालन करने के लिए कहा। दोस्तों चीनी सेना गलवान घाटी और तनाव वाले कुछ इलाकों से पहले ही हट चुकी है, लेकिन भारत के मांग के अनुसार पेंगोंग के फिंगर इलाकों से पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को पीछे हटाने की प्रक्रिया चीन ने अभी शुरू नहीं की है। इसी तनाव के बीच फ्रांस ने भारत को 5 राफेल लड़ाकू विमान भेज दिए हैं। तो वहीं अब ये खबर आ रही है कि अमेरिका अब रोमियो हेलीकॉप्टर की डिलीवरी भारत को जल्द करने जा रहा है। दोस्तों पूरी दुनिया में रोमियो हेलीकॉप्टर जैसा घातक हेलीकॉप्टर अभी तक नहीं बना। ये वो हेलीकॉप्टर है जिसे देख पनडुब्बी भी पीछे हट जाता है। MH-60 रोमियो एक जुड़वा टर्बोसॉफ्ट इंजन है जो यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी US-60 ब्लैक हॉक पर आधारित मल्टी मिशन यूनाइटेड स्टेट्स नेवी हेलीकॉप्टर और सिकोर्स्की S-70 परिवार का सदस्य है। सबसे महत्वपूर्ण संशोधनों के तहत और एक गेट पूंछ है जो अपने जहाज पर सवार जहाजों को कम करने के लिए है। अमेरिकी नौसेना किसी भी वायु सक्षम फ्रिगेट, विध्वंसक क्रूजर, तेज लड़ाकू समर्थन जहाज, द्विदा गति वाला जहाज, लिटेरल लड़ाकू जहाज या विमान वाहक पोत पर सवार मॉडल पदनामों के तहत H-60 एयर फ्रेम का उपयोग करती है। सतारोधी युद्ध नौसैनिक विशेष युद्धक सम्मिलन, खोज और बचाव, युद्धक खोज और बचाव, ऊर्ध्वाधर पुनरापूर्ति और जल निकासी सीहॉक पनडुब्बी रोधी युद्ध को संभाल सकता है। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी ने भारतीय नौसेना को मजबूती प्रदान करने के लिए 24 MH-60 रोमियो सीहॉक हेलीकॉप्टर खरीदने को मंजूरी प्रदान की थी। इन हेलीकॉप्टरों की खरीद पर $2.6 बिलियन खर्च होगा। रोमियो हेलीकॉप्टरों से भारतीय फौजों की एंटी सरफेस और एंटी सबमरीन सुरक्षा क्षमता में बढ़ोतरी होगी। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप आगामी 24 और 25 फरवरी को 2 दिवसीय दौरे पर भारत आए थे, जिसमें भारत और अमेरिका के बीच 24 रोमियो हेलीकॉप्टर की डील हुई थी। रोमियो हेलीकॉप्टर की खासियत, MH-60 रोमियो सीहॉक हेलीकॉप्टर पनडुब्बी और पोतों पर अचूक निशाना लगाने में सक्षम है। यह हेलीकॉप्टर समुद्र में तलाश एवं बचाव कार्यों में भी बेहद उपयोगी है। दुश्मन की नावों को ट्रैक करके उनके हमलों को रोक सकता है। MH-60 रोमियो सीहॉक हेलीकॉप्टर परिष्कृत लड़ाकू प्रणालियों, MH-60 रोमियो सीहॉक हेलीकॉप्टर परिष्कृत लड़ाकू प्रणालियों, सेंसर, मिसाइल और टॉर्पीडो से लैस है। हेलीकॉप्टर अमेरिकी नौसेना में एंटी सबमरीन और एंटी सरफेस वेपन के रूप में तैनात है। यह हेलीकॉप्टर भारतीय रक्षा बलों को सतारोधी और पनडुब्बी रोधी युद्ध मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिलाने में सक्षम बनाएगा। दुनिया भर की नौसेना इन्हें तैनात करती है, जिनमें रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी भी शामिल है। दोस्तों कहा जा रहा है कि MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर को अमेरिका 2021 की शुरुआत तक भेज देगा। भारत और चीन के तनाव के बीच भारत के सभी दोस्त अपनी दोस्ती निभा रहे हैं। दोस्तों मुझे लगता है कि चीन का बुरा वक्त शुरू हो गया है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमसे इंस्टाग्राम और फेसबुक में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक में जरूर फॉलो करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब कर ले। साथ ही बगल में जो बेल आइकन है उसे भी ऑल में क्लिक कर ले, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।